नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर वर्कशॉप का हुआ आयोजन। एक्सपर्ट ने साइबर फ्रॉड से बचने के बताए उपाय। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की सारी तैयारी हुई पूरी। मंगलवार को कुलाधिपति करेंगे उद्घाटन। नवगछिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव की मतगणना हुई संपन्न। तीनों पुराने चेहरे ने अध्यक्ष पद पर जमाया कब्जा। सनौला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। और भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को लेकर नवगछिया में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। देश में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए भागलपुर एसएम कॉलेज में राष्ट्रीय साइबर क्राइम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। दो दिवसीय वर्कशॉप के पहले दिन मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय कुमार और अभिषेक ने छात्राओं को सुरक्षा से संबंधित कई जानकारियां दी। एक्सपर्ट ने छात्राओं को सोशल मीडिया से संबंधित खतरे और उससे बचाव के कई उपाय बताए। वर्कशॉप में फर्जी कॉल, एटीएम फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट, हैकिंग सॉफ्टवेयर वायरस और अवैध वेबसाइट की पहचान करने की उपाय बताए। वहीं MIT के अभिषेक ने शिक्षकों को साइबर ठग से बचने और संदेह होने पर जांच पड़ताल करने की बात कही। इसके पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने छात्राओं को सावधानी पूर्वक बैंकिंग सेवा का लाभ लेने, OTP और पासवर्ड की जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं देने की बात कही। नॉर्मली अभी हमारे डेली लाइफ में अभी जो चैलेंज आ रही है, चैलेंज ये आ रहा है, जैसे आप अपने मोबाइल से मैसेज भेजें, OTP आया, OTP आप दूसरे को बता दिए, तो आपके जो सेविंग अकाउंट है जहाँ आपका पैसा डिपॉजिट है वहाँ से पैसे चोरी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास फ़ोन आया कि सर आप SBI ATM यूज़ हो रही है, तो हमने बोला हाँ SBI ATM यूज हम कर रहे हैं, तो उसने हमसे पूछा सर उसमें प्रॉब्लम है, तो सपोज़ हमने बोल दिया हाँ उसमें प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं कि सर हम ऐसा है कि हम ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और हम जो है आप अपना नेम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, फादर्स नेम बताइए, अब आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है और आपने सभी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर वो आपके मोबाइल पे मैसेज भेजे, फिर वो बोले कि सर आपने मोबाइल पे मैसेज मिला, हाँ मिला, तो सर एक और मैसेज आपके मोबाइल पे आने वाला है जो OTP है जो 6 डिजिट का, वो आप हमें बताइए, आपने वो 6 डिजिट का OTP उन्हें बता दिया। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में मंगलवार को तीसरा दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। समारोह को लेकर सोमवार को सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। BNMU के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कहा कि दीक्षांत समारोह का उद्घाटन कुलाधिपति सह राज्यपाल फागू चौहान करेंगे। समारोह में शिक्षा मंत्री समेत कई विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षाविद शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर सुधांशु शेखर ने कहा कि सभी समितियों को कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और मंच की सजावट मधुबनी पेंटिंग से की गई है। इसके पूर्व कुलपति प्रोफेसर AK राय, प्रति कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, कुल सचिव डॉक्टर कपिल देव प्रसाद, सदर SDO वृंदा लाल और आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुलपति ने कहा कि समारोह को लेकर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार कार्यक्रम स्थल पर नजर रखे हुए है। सोमवार को मॉक ड्रिल भी किया गया। मेरी तैयारी लग रही कि पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ जो है कहीं कहीं जो आप देख रहे हो कुछ कमी है, तो वो शाम तक में सारी तैयारी हो जाएगी और शाम को पुलिस प्रशासन भी आएगी सर्वे करने के लिए और यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं कि टोटल सिक्योरिटी होना चाहिए और गेस्ट हाउस का भी आप देख सकते हो, वहाँ भी हम लोगों ने इस बार जो है बेहतर इंतजाम किया है। पिछले दफ़े तो हमने यहीं इंतजाम किया था लेकिन इस बार जो है गेस्ट हाउस में, क्योंकि आधा घंटे वो रुकेंगे यहाँ, लंच उनका यहाँ होगा, इसलिए गेस्ट हाउस में अलग से व्यवस्था की है। सारी तैयारी चल रही है और जैसा हमने सोचा था उसी अनुसार से तैयारी हो रही है। नवगछिया प्रखंड के 3 पैक्स चुनाव की सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न हुई। तीनों पैक्स के अध्यक्ष पद पर पुराने चेहरे ही विजयी हुए। जगतपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर पवन कुमार यादव को 503 मत प्राप्त हुआ, जबकि उसके प्रतिद्वंदी पवन कुमार को महज 45 मत प्राप्त हुआ। नगरह पैक्स अध्यक्ष के पद पर अभय कुमार झा उर्फ डिंपल को 473 मत प्राप्त हुआ, जबकि उसके प्रतिद्वंदी प्रमोद कुमार सिंह को 314 वोट मिले।
वहीं कटुआ कासिमपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर जयप्रकाश राय को 411 मत प्राप्त हुआ, जबकि उसके प्रतिद्वंदी विजय राय को 314 मत प्राप्त हुआ। सभी विजय अध्यक्ष के नामों की घोषणा निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो प्रशांत कुमार ने करते हुए जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। मतगणना के लिए प्रखंड मुख्यालय में 6 बेंच बनाए गए थे। हम अपने जनता के लिए काम करेंगे, किसान को किसी तरह का परेशानी होगा तो हम उसके लिए आगे रहेंगे और मेहनत करेंगे ताकि उसको हर चीज का सुविधा मिले पैक्स के तहत। हमारा लक्ष्य है सामाजिक मदद, मेहनत करना, समाज के लिए सेवा करना, समाज का कल्याण संभव हो। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के बीच रहें और जहाँ तक वो सेवा में कर सके। तो हम जो चाहते हैं किसानों का विकास हो, किसानों की कार्य के लिए मुझे जनता ने वोट दिया, हमको निर्वाचित किया है। हम चाहते हैं किसानों का अधिक से अधिक विकास हो, सरकार की फंड मिले। शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सनहौला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सनहौला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए झारखंड की ओर से आ रहे ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना मिलते ही भुड़िया चौक के समीप सादे लिवास में पुलिस ने छापेमारी कर सौर बाजार सहरसा निवासी छोटे लाल यादव एवं रितेश कुमार को ऑटो से शराब के साथ गिरफ्तार किया है। नवगछिया के गोपाल गौशाला परिसर में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक श्रीमद भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसको लेकर सोमवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 108 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर पूरे नगर का भ्रमण किया। इस दौरान शोभा यात्रा में परम पूज्य श्री अनंत आचार्य जी महाराज, स्वामी आगमानंद जी महाराज, बालक स्वामी केशव जी महाराज एवं धरणीधर जी महाराज समेत कई संत महात्मा के साथ सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। ढोल नगाड़े बैंड बाजा और घोड़े के साथ निकली शोभा यात्रा से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति कुमारी, प्रवीण कुमार भगत, सुभाष चंद्र वर्मा, दयाराम चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने सोमवार को लॉ कॉलेज के छात्र धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से ससमय परीक्षा लेने की मांग की। छात्रों ने कहा कि परीक्षा का सत्र 7 माह विलंब से चल रहा है, जिसके कारण प्रतियोगी परीक्षाओं से छात्र वंचित हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर चुका है। धरना पर बैठे आनंद यादव, कोमल कुमारी, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, नीतीश और मयंक झा ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों का मांग सिर्फ इतना है कि टीएनवी लॉ कॉलेज में जो एग्जाम लिया जा रहा है और चुनाव दोनों एक साथ हो रहा है, चुनाव और एग्जाम दोनों एक साथ होने की वजह से छात्रों को परेशानी हो रहा है। मेरा कहना है कि एकलव्य का प्रोग्राम जो है हो रहा है 21, 22, 23 तीन दिवसीय प्रोग्राम है, तो 3 दिन का प्रोग्राम रखा जाए, ठीक है, उसके बाद 24 को छोड़ के 25 से एग्जाम लिया जाए और चुनाव के पहले एग्जाम खत्म किया जाए ताकि चुनाव में छात्रों को प्रॉब्लम ना हो। हम लोगों का बार बार जो है कि परीक्षा का तिथि एक्सटेंड मतलब बदल रहा है। इसके पूर्व में भी 2 बार जो है कि परीक्षा का तिथि चेंज हो चुका है और फिर इस बार हम उम्मीद है कि परीक्षा का तिथि बदल जाएगा, क्योंकि पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि उसी दिन हम लोगों का ये इलेक्शन का भी डेट पड़ गया है, तो इसलिए जो है कि डेट बढ़ जाएगा। मुख्य कारण इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि हम लोग का सबसे पहला जुडिशियल एग्जाम, जुडिशियल का वैकेंसी नोटिफाई हो चुका है जो कि दिसंबर के अंतिम तक में आ जाएगा। अगर भी हम लोग का जल्दी एग्जाम नहीं होता तो हम लोग वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार।
शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने भागलपुर विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। इस अवसर पर सोमवार को भाजपा नेता अजीत शाश्वत चौबे के निवास स्थान पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विजय मित्र मंडल से सुधीर भगत, तिलका मांझी मंडल से पंकज कुमार सिंह, ईश्वर नगर मंडल से शशि मोदी व चंपानगर मंडल से गौरव दास को नवनिर्मित अध्यक्ष घोषित किया गया है। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को फूलों का माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर व गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं नवनिर्मित अध्यक्ष सुधीर भगत व पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पार्टी द्वारा दिए गए सभी दायित्व का निर्वहन ईमानदारी व निष्ठा से करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण कुमार सिंह, भाजपा नेता अजीत शाश्वत चौबे, शशि मोदी, राजेश सिंह, बम कुमार सोनू जी व पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। कहलगांव के कैरिया पंचायत अंतर्गत सिमरिया निवासी हेमंत कुमार सिंह को नंदलालपुर मंडल एवं सनोखर के अगैया निवासी अनुज कुमार दुबे को सनोखर मंडल अध्यक्ष बनाया गया। वहीं दोनों को मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अनुज दुबे और हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करेंगे। पार्टी ने मुझे जो पद दिया है, मैं उसके लिए पार्टी का आभारी हूं और इस पद का मैं बहुत अच्छे से निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। भागलपुर समाहरणालय परिसर में सोमवार को जन अधिकार पार्टी की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जाप नेताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नूरुल्लाह ने की। इस दौरान धरना पर बैठे जाप नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। पार्टी के प्रदेश सचिव राजनीति यादव ने कहा कि सरकार धर्म के आधार पर कानून बना रही है, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए सही नहीं है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय पाठक, जबीन निजामी, अजीत कुमार, विनोद यादव, जयप्रकाश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज नया नागरिकता बिल का जो संविधान निकला है, अमित शाह जी ने कहा कि हिंदुस्तान के बगल में पाकिस्तान है, हिंदुस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान के बगल में बांग्लादेश है। मैं जानना चाहता हूँ क्या हिंदुस्तान के बगल में नेपाल नहीं है क्या? हिंदुस्तान के बगल में बर्मा नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि आज जो हमारे 14 के दिसंबर तक जो आदमी आए हैं उनका जो है नागरिकता बिल हम सबको अधिकार देंगे। ये जाति और धर्म के नाम पर इन्होंने कर रहे हैं, जैसे बौद्ध, जैसे उन्होंने कहा 4-5 जाति का नाम उन्होंने बोला। ये तो जाति और धर्म के आधार पर यह संशोधन किया गया है बिल का। हम लोग इनका विरोध करते हैं, जन अधिकार पार्टी इनको लेकर के विरोध कर रहे हैं। नृत्य, संगीत और डांस में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं को अब शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुंबई की तर्ज पर अब भागलपुर और आसपास के जिलों के छात्रों को विभिन्न नृत्य के रूप की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर रविवार को श्याम सुंदर स्कूल के समीप गायत्री कॉम्प्लेक्स में सुपर डांस स्कूल ऑफ डांस का शुभारम्भ किया गया। डांस स्कूल का उद्घाटन RTI कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह, निर्देशक अभिषेक चौधरी, चेयरपर्सन वानिका अभिषेक चौधरी और आगत अतिथियों ने फीता काट कर किया। स्कूल के निर्देशक अभिषेक चौधरी ने कहा कि सुपर डांस स्कूल में मुंबई के शिक्षक बच्चों को सुपर डांस, इंडिया डांस, बॉलीवुड, हिप हॉप, सालसा, कथक, फ्री स्टाइल समेत कई विद्या में प्रशिक्षित करेंगे। निर्देशक ने बताया कि स्कूल में नामांकन जारी है। मौके पर अंकिता चौधरी, राम प्यारे चौधरी, मुकेश, तपन, मोनालिसा, संदीप प्रणब समेत कई लोग मौजूद थे।
नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। चंपानगर इलाके से निकाले गए कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विभिन्न इलाके का भ्रमण किया, जो मेदिनी चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। ये कार्यक्रम जो है चंपानगर के तमाम युवाओं के तरफ से देश के उन प्रदर्शनों को सपोर्ट है, जो सरकार के द्वारा गैर संवैधानिक बिल जो ये लाया जा रहा है, जिससे के सिर्फ देश के तमाम लोगों को परेशान करना मकसद है, और संवैधानिक कानून के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मुंगेर विश्वविद्यालय के आरएमएस कॉलेज तारापुर में सोमवार को अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला एवं पुरुष वर्ग प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी और आगत अतिथियों ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर ने की। अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता में मेजबान सहित 5 कॉलेज के प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन सचिव प्रोफेसर बसंत कुमार ने कहा कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागी अपने कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वहीं डॉक्टर साहिद राजा जमाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्र छात्राओं में खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ती है। मौके पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर ज्योति कुमारी, प्रोफेसर सरिता कुमारी, दिनकर प्रसाद समेत कई शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र मौजूद थे। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर वर्कशॉप का हुआ आयोजन, एक्सपर्ट ने साइबर फ्रॉड से बचने के बताए उपाय। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की सारी तैयारी हुई पूरी, मंगलवार को कुलाधिपति करेंगे उद्घाटन। नवगछिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव की मतगणना हुई संपन्न, 3 पुराने चेहरे ने अध्यक्ष पद पर जमाया कब्जा। सनौला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को लेकर नवगछिया में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।